यस मिस्टर ब्रिजेश, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? वेलकम टू दिस इंटरव्यू सेशन. आई होप यू आर डूइंग गुड इन दिस लॉकडाउन पोजीशन. यस थैंक यू. अप्स एंड डाउन्स आर देयर बट आल्सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. अर्लियर इज नॉट देयर बट नाउ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. ओके फाइन, ठीक है. तो थोड़ा आप अपना परिचय ऑडियंस के लिए देंगे, अभी क्या आप करते हैं, कहाँ पे है और बैकग्राउंड आपका? Myself SR Patwari. I'm at present GM of one of textile processing unit. I have earlier worked in Tamil Nadu, Maharashtra, and Gujarat different textile unit processing unit, and presently in Ahmedabad as a in processing unit of textile. Okay, Shwetanth ji, आपके family में कौन-कौन है? मेरे family में मेरी wife और मेरा son है, और parents मदर है मेरे साथ में. ओके फाइन. तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि यू एंटर्ड इनटू फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट प्रोसेस. तो ये प्रोसेस में आप एंटर हुए, उससे पहले आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ में क्या ऐसी चीजें थी कि जिसको देखते हुए, क्या ऐसी एक्सपीरियंसेस थी आपकी क्या कि जिसको देखते हुए आपको ऐसा लगा कि आई शुड एंटर इनटू, मुझे अपनी फाइनेंशियल प्लान करवानी चाहिए या मुझे वेल्थ मैनेजमेंट करवाना चाहिए, ऐसी क्या आपकी एक्सपीरियंस रही होगी जिसने आपको ये मोटिवेट किया कि आपको ये प्रोसेस में एंटर होना चाहिए? नॉर्मली जो मैं, जैसे सब लोग करते हैं ऐसे ही मैं क्यूरियसली प्लानिंग कर रहा था. नॉर्मली बैंक एफडी और LIC और ऐसे करके हम कुछ इतना, माई सेल्फ इज अ साइंस एरिया सो आई डोंट मोर अबाउट इन कॉमर्शियल, आई एम नोइंग वेरी वेल. बट मैं ऐसे नॉर्मली एफडी अदरवाइज LIC के हिसाब से जो कोई होता है नॉर्मल तरीके से मेरा फाइनेंस का प्लानिंग कर रहा था कि यस एवरी मंथ दिस मच अमाउंट आई हैव टू व्हाट एवर द ईयरली वी हैव टू डू सेविंग एंड मैक्सिमम पॉसिबल सेव, ऐसा करके नॉर्मल वे में सेविंग करके उसका जो रिटर्न आ रहा था, बस हमको उतना रिटर्न मिल रहा है उसके हिसाब से हम प्लानिंग कर रहे थे. और हम देख रहे थे बस हमारा ये सेटिस्फाइड, हमको इतना मिल रहा है उससे सेटिस्फाइड थे. बट afterwards I understand some so many financial now is going on, planning is different ways possible and more opportunity is there. What we I am doing, what I am getting from my finance afterwards, what I am saving, this is not as per what I actually have, what I get there I am not getting. And meanwhile I got the contact as a different financial planner, and that I understand was this is the what at present I am doing is not at par what is at present required in that way. ओके, सो आपको ये लगा कि आप जो बैंक एफडी और इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे आपकी जो हार्ड अर्न मनी आप सेव करते हैं उसमें जो आपको रिटर्न मिलना चाहिए वो आपको किसी वजह से आपको वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था, और आपको ये पता चला कि इससे अच्छा हो सकता है, इसलिए आपने ये फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए सोचा. इज दैट करेक्ट? यस यस यस. ओके फाइन, ठीक है. तो फिर आप हमारी और आपकी इंटरेक्शन हुई एंड उसके बाद वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स योर वेल्थ प्लानिंग प्रोसेस. तो आप ये बताइए थोड़ा हमें कि ये प्रोसेस की जो आपकी एक्सपीरियंस रही है वो क्या है, और ये प्लानिंग हमने कैसे की थी. सो योर एक्सपीरियंस अबाउट इट. नॉर्मली इसमें क्या है, जब भी हम, मेरा भी ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैं ये सब सुना था कि फाइनेंशियल प्लानर है, तो एक पहले भी सपोज मेरे पेरेंट्स भी थे, फादर भी जो कर रहे थे पहले से, वो एक एफडी और वो उस टाइम पर जो चल रहा था डिफरेंट फाइनेंस कंपनी थी उसमें हम इन्वेस्ट कर रहे थे, उसके हिसाब से जो था वो जो एजेंट आ रहा था और एजेंट बोलते आपकी एक स्कीम में डालो आपको इतना रिटर्न आएगा, उसमें कभी सिल्वर कॉइन भी मिलेगा कभी ऐसा ऐसा, अलग अलग डिपेंड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंस वो मोटिवेट करते थे और हम लोग फाइनेंस कर रहे, लेकिन उनको पता था वो जो फाइनेंस कर रहे थे उसमें ऐसा रहता था कि वो उनको परसेंटेज मिल रहा था, तो वो जो भी उनको परसेंटेज ज्यादा, वो हमको आइडिया नहीं रहता कि किसको कितना एजेंट को परसेंटेज ज्यादा मिल रहा था. तो उसके हिसाब से हम सोचते थे कि पहले इतना पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है उनको परसेंटेज मिले, इसके लिए वही कंपनी में इन्वेस्ट करने का बोल रहे थे. लेकिन आफ्टर अभी जो हमको, मेरे को पता चला कि ये जो फाइनेंशियल प्लानर जो रहता है उनको ऐसा नहीं होता है कि ये कंपनी से हमको पर्टिकुलर परसेंटेज मिल रहा है, उसमें परसेंटेज ज्यादा मिल रहा है, ये परसेंटेज इसमें कम रहा है इसके लिए उनका. तो अभी मैंने देखा कि ये अभी, क्योंकि इसमें ऐसा हुआ दिसंबर 2015 मेरा ये दिमाग में आया और ऐसा चला कि यस ऐसा कुछ हो रहा है चल रहा है, और एजेंट सिस्टम नहीं है, फाइनेंशियल प्लानर टोटली डिफरेंट था एक जो है सिस्टम
वो जो एडवाइस करते हैं वो टोटली डिफरेंट टाइप है, एजेंट टाइप का सिस्टम नहीं है उसके अंदर। वो जो एडवाइस करते हैं वो उनका एडवाइस रहता है हमको, और हम डिसीजन हमको लेना है कि उतना डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन रहता है, ये ऑप्शन में हमें जाना चाहिए, इसमें नहीं जाना चाहिए, सब वो उनको गाइडलाइन देते हैं। और जो फाइनल प्लानिंग वो उनका रहता है, प्लानिंग वो करते हैं, लेकिन डिसीजन जो रहता है हमारे हाथ में रहता है, उनका सिर्फ एनालिसिस करके देते थे, लेकिन हमारा जो रहता है वो हमारे डिपेंड हमारे ऊपर रहता है कि हम क्या करना चाहते हैं इसके ऊपर है। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी अच्छा है आप डालो उसमें इतना परसेंट का, ऐसा नहीं था। तो पहले जो मेरा था कॉन्सेप्ट वो टोटली चेंज हो गया, और बाद में मेरे को लगा यस हमको अभी ये आफ्टर ये ऐसा प्रोसेस के थ्रू जाना चाहिए। उसमें भी ऐसा था, सपोज स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में मेरे को पास रिक्वायरमेंट आए, हमको ये चाहिए डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट है, आपका पूरा फाइनेंशियल क्या है, आपका कितना सैलरी आ रहा है, हम कितना इन्वेस्ट कहाँ पर करते हैं, मेरा कितना एफडी है, मेरा कितना एलआईसी में डाला हुआ है, अभी मैं कौन से शेयर मार्केट में डालता हूँ कि नहीं डालता हूँ। तो फाइनेंशियल जितना भी मेरा मेरे पास कुछ भी था वो 100% को ओपन करना पड़ता था। तो पहले तो एक ऐसा था कि हम किसी के पास पूरा ओपन हुए कि नहीं हुए, तो एक वो कंडीशन में बहुत डर लगता है कि हमारे पूरा फाइनेंस का डिटेल चला जाएगा। लेकिन एक बाद में हमको एक ऐसा आया कि नहीं, ये करने से ऐसा होता है कि हम दे रहे हैं लेकिन वो कॉन्फिडेंशियल रहता है, एक हमको ट्रस्ट मिल गया। तो वही मेरे को डिसाइड करते कि ऑलमोस्ट दिसंबर 2015 टू मार्च 2016 फोर मंथ्स मेरे को वही उसमें चला रहा है, हम डिस्कशन चलते रहे, वन टू वन डिस्कशन जो होता रहा था उसमें आगे बढ़े कि नहीं। लेकिन आफ्टर फेब्रुआरी टू मार्च ऑनवर्ड स्लोली स्लोली बेसिस आई हैव शिफ्टेड एंड एंटायरली आई हैव ओपनली डिस्कस regarding my different whatever them I'm gaining and what which way my finances different way I'm investment and what possible earlier I'm afterwards I think yes possible to save but I'm at present I'm not thinking this way possible and afterwards this process is started. Okay. So कौन सी कैसे step by step आपका planning हुआ उसके बारे में, वो experience के बारे में बताएंगे हमें। पहले तो एक उन्होंने अपने लिया हुआ था कि आपका कौन सा ये वाला आपका फाइनेंशियल गोल कौन सा है, मेरे पास से पूरा डिटेल लिया आपने। उसके बाद आपने लिया कि यस आपका कितना है, आपका अर्निंग कितना है, उसके बाद आपका फाइनेंशियल गोल कितना है, उसमें से अभी प्रेजेंटली आप किसमें इन्वेस्ट कर रहे हो और कौन सी एक्चुअल मेथड से करना चाहिए, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आपने लिया था। मेरा सब पूरा एलआईसी की पॉलिसी थी वो भी आपने जाना हुआ था, और बाद में डिसाइड किया था कि यस हमने ये जो कर रहे हैं उसमें से कौन सा पॉसिबल है हमको कंटिन्यू करना है, कौन सा नहीं करना है, ऐसा करके वो तरीके से हम आगे गए थे। मैं सपोज पहले मेरे का एक या दो ही बार मैंने ऐसा किया था, शेयर मार्केट आया है गॉन एंड आफ्टरवर्ड्स आई एम वेरी बैड पे, मेरा लॉस होके वापस आया, तो मैं वो एक प्रिकॉशन रखा हुआ था मेरा, यस मेरे को इसमें जाना ही नहीं है। तो बाद में आपने उसमें भी क्या पाया डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी है। बाद में मेरे को भी ऐसा था कि सपोज म्यूचुअल फंड में होना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मेरा और मेरे फैमिली के साथ में भी वाइफ के साथ भी आपका मीटिंग हुआ था, और ही वाज आल्सो वेरी रियल आल्सो आफ्टर व्हाट वी आर गोइंग एंड नाउ प्रेजेंटली व्हाट वी आर डूइंग दिस आई थिंक विल गो बेटर वे, ऐसा हमने थिंक करके आगे बढ़े हुए थे। ओके सो कैसे आपकी स्टेप बाय स्टेप। बाद में आपका एक एएमए में वर्कशॉप था जी अहमदाबाद मैनेजमेंट, अहमदाबाद में वर्कशॉप था, तो वर्कशॉप आपका था उस टाइम पर भी आई थिंक ऑलमोस्ट 50 पार्टिसिपेंट आर देयर, मायसेल्फ आल्सो पार्टिसिपेटेड इन that way confidence is built up which way going further and I think I have gone through and is now already almost more than 4 years completed now. Okay to ye jo step by step risk profiling ke liye ke aapki financial plan ki process hui thi to uske bare mein thoda kaise hai wo uske dauran aapki kya experience rahi wo share karenge mere ko different different type of usme jo process tha us time par diya hua tha suppose main abhi jo kar raha hu usme उन्होंने आपने ये भी बताया हुआ था कि आप जो कर रहे हैं उसमें इतना रिटर्न मिल रहा है, सपोज हम उसके जगह पर इसमें जाएंगे, ये उसमें भी आपने अलग अलग ऑप्शन दिया था, मिड कैप स्मॉल कैप उसके बाद लार्ज कैप डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स है, लिक्विड फंड्स है। मेरा एक गोल उस टाइम पर मेरे को ऐसा था, मेरा सन उस टाइम पर 10th स्टैंडर्ड में था, 9th to 10th स्टैंडर्ड में था, और मेरा फ्यूचर में गोल था बस कि हम लोगों को एक एजुकेशन अच्छा है देके उसको कॉलेज में जाएंगे, ऐसा करके एक प्लान था उस टाइम पर। लेकिन आफ्टरवर्ड्स मेरा हमने उसके बिजनेस पे स्टार्ट कर दिया था, 1 year कंप्लीट हुआ, और डिफरेंट आपने उस टाइम मतलब स्टार्टिंग के टाइम पर डिफरेंट कंपनी का सजेशन दिया था, ये अलग अलग कंपनी है इसका ये है इसमें ये पॉसिबिलिटी, एक कैप मिड कैप में ये कर सकते स्मॉल कैप में कर सकते, हर एक का आपने ऑप्शन दिया था 4-5 ऑप्शन हर एक डिफरेंट डिफरेंट
स्मॉल कैप, मिड कैप, लिक्विड फंड, लार्ज कैप, उसके हिसाब से, उसमें से मैंने मेरे हिसाब से, मेरे को लगा नहीं आपने तीन चार कंपनी के लिए, मेरे को मेरे हिसाब से कौन सी कंपनी में भी थोड़ा साथ में लेता था और कौन सी कंपनी चारों में से मेरे को जो बेटर लगी थी वो कंपनी में मैंने फाइनलाइज किया था, ऐसा करके ऑलमोस्ट 2016 में स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद हम लोग SIP की में भी मेरा जो प्लान था उसके हिसाब से पॉसिबल था, जो पहले मैं ऐसा सिस्टमेटिक बेसिस पे कर ही नहीं रहा था। 2016 April and May, in that also, whatever I am, the service people, so every year we are getting the increment, so at that time people are not thinking increment means whatever they will use anytime, but when my increment come, I decided no, from this increment some amount of this one also I have to keep another SIP. Okay. So suppose people are always thinking whatever the increment will come, always use. But I think whatever the in my increment come, 100% I will go to SIP. Suppose I am not getting increment, then also my life is going on. Okay. That way I may think, but small parts only I have kept with me, and remaining majority keep. I have gone through SIP in this way. Yearly and year basis my SIP also increased, and now good way I am going. And at that time we had discussed whatever the company. Phases come from 2016-2017, my percentage of what I'm getting in FD or other way, different finance, whatever percentage I'm getting, but after 2016 or 17 afterwards, after 1 and 1.5 years, totally whatever the percentage I'm getting, this totally increase, and I think more than double to 2.5% is increasing. In 2018, this is almost 2 to 3 times is there. Okay. What I'm normal routine I'm getting in that one, 2 to 3 times getting. Later on, one time period was come, this minus, not minus, but compared to FD, this gone to lesser also. So at that time, my worry is started, and immediately every year we are taking review. So review time already we are discussing, our long discussion is going on, meeting is going on, at that time we discuss this will happen, and starting is at that time also discussed. And when started 2015, at that time it's only 20 year of total graph or economy also. So keep everything in my mind. I have checked afterwards I'm getting 5% FD presence, and afterwards myself gone to 1 to 2% only return after this financial planning. So I'm worried, but knowing earlier I'm supposed getting 15% or 12% also, but instead of 5%, I'm gone to 12 to 15 or 20% also, and now 2 to 3%. So I aware already early I'm getting, and now I'm getting, so I'm not worried. Something plus and minus will be happening now. This way I'm continue going on. And stage is there. 2018, my son is completed 12, and I'm planning for. Normally earlier thinking is there that we've gone for engineering or that way, but immediately decision something changed. Our family and my son gone to abroad, planning for abroad. And at presently is in already given good suggestion and everything. We have good planning is there, and now at presently in Canada in going engineering study. Normally people are thinking after 4 years of completion of engineering only, people will go to abroad for education. Since after 12 is very costlier, so people are avoiding, and afterwards many people I am here checking, and everybody is telling why we are sending after 12, oh, this charges is very high. But earlier stage, before 2 years, I am already started planning, and finances goal is there. This helped me, and very blessed people. I think majority people after engineering only for master only sending abroad, but I have taken advantage, and my son after 12 itself now gone for engineering study, and that also due to this different type of finance planning is possible. This happened. Okay, so आपका ये कहना है कि हमने planning जल्दी से किया था आपके finance का साथ में मिलके, उसकी वजह से आपकी ये सोच थी कि आप बच्चे को यहाँ पे engineering पढ़ाओगे आपके son को, लेकिन thanks to this financial planning process आप उसको Canada भेज पाए, right? Yes, yes, yes. आपने प्लानिंग कर लिया और आपको 4 साल हो चुके हैं, आपका एक गोल तो ऑलरेडी ऑन द पाथ ऑफ अचीव है अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई करने का,
सो ये सारे प्रोसेस को पसार होके व्हाट इज दी योर करंट एक्सपीरियंस, अभी आप क्या फील कर रहे हो, प्लानिंग आपने किया है तो उसकी वजह से आपकी प्रेजेंट जो पहले था और आज है, तो आज में आप क्या अच्छा महसूस कर रहे हो उसके बारे में जरा बताएंगे। एक्चुअल में ऐसा है, आज की टुडेज डेट पर्टिकुलर आज की डेट में मैं बात करना चाहूँ तो ऐसा होगा उसके अंदर कि मैंने मैंने बोला कि 2016 17 18 अप्स एंड डाउन्स देखा हुआ था, बाद में प्लस में था 3 times प्लस, बाद में इक्वल हो गया, माइनस में हो गया, बट लास्ट 2 1.5 months बिफोर माय टोटली फाइनेंस इज गॉन नेगेटिव एंड आई हैव सीन -10 to -15% इटसेल्फ गॉन टू नेगेटिव, बट कीप इन माइंड आई नो which way it is market is going on and afterwards now before 1.5 months this is 10 to 12% at today's date I think almost -5 to +5 fluctuating last 2-3 days and I know after a few days also it will be increase and it will go good way because whatever the trend is going on I knowing and I'm very happy so this goal is what I'm achieving it will 100% it will achieve and this is no problem because this is just I'm telling this one is in whenever the this some drop is there I have seen in 2019 when I'm 10 years before also market is very down and in foreigns I'm dealing with some foreign customers also and at the 2009 so many companies insolvency gone but I'm dealing with few companies and at that time also this trend is very down in downwards and afterwards after 1 and 2 years it will be grown and is going ups and ups so at present situation also this whatever the situation is there it will be yes it will impact on economy and financial what we are doing but later on after 2-3 months or after 6 months it will be 100% it will be great. Okay, so we can say that thanks to the financial planning process you are more confident about your personal finance as compared to before financial planning situation. Hi, yes 100%. Earlier I am not in between we have what happened I'm always keeping this mind this will not happen but after this planning in between I am not thinking I every year I will go for tour or family tour but last 3 years every years last year in 2018 August also I have 10 days outside outside tour is happened due to this plan so otherwise every year is not possible okay. But with family myself last year in August 2019 I have complete means every year I am 1 week to 10 days tour also now is after planning is possible. This achievement also is there. Okay. So अभी आपने ये process से पसार हुए और आपके benefit हुआ है आपको, तो आप नए जो investor है, नए जो लोग है, उनके बारे में आपकी क्या message होगी, उनको क्या करना चाहिए financial planning के बारे में? What would you recommend to them? I recommend, जैसे आपको भी तो पता ही है मैंने ऑलरेडी माय वन अब्रॉड माय फ्रेंड इज देयर इन अबू धाबी इज ऑलरेडी आई हैव सजेस्टेड इन हिज लास्ट 3 इयर्स आल्सो कंटिन्यू देन इन वन अमेरिका वन माय फ्रेंड इज देयर आल्सो ही इज नाउ ऑलरेडी ऑन द जॉब एंड इज गोइंग ऑन एंड अहमदाबाद अनदर 2 friends आल्सो इज ऑन द ऑलरेडी पाइपलाइन इज गोइंग ऑन सो दिस वे आई एम ऑलरेडी अनदर 4 माय फ्रेंड्स आर देयर इज आल्सो व्हाट आई हैव they also see watch what which way my finances they are asking me which way we are doing and we are discussing when we are meeting at the sorry and so I'm my suggestion is there what at present people are not doing without finance or planning then in that case what they are getting but after planning of proper plan then it 100% what we are getting in that more benefit will be there that way. Okay, so you recommend them to go through the financial planning process as a yes. Okay, yes. Thanks. Okay. Thank you very much. Okay. Thank you. आपने ये जो time निकाला और हमारे audience के आपके experience से share किए. Thank you.